हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेजिटेरियन फूडीज किचन। आज मैंने बनाया है धान के लावा का नमकीन। जब दिवाली पर हम ये पूजा के लिए धान का लावा मंगाते हैं तो अक्सर ये बच ही जाता है और ये सीलन से ख़राब भी हो जाता है बहुत जल्दी, तो इसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, इधर उधर करके फेंक ही देते हैं। तो इससे आप इस तरह से नमकीन बनाकर इस्तेमाल में लाएँ और बहुत ही टेस्टी लगता है ये चाय के साथ नमकीन। चाहे तो आप इसमें मेवे वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने सिंपल ही बनाया है कि इतना सामान तो हर किसी के पास होता ही है, तो इस तरह से आप नमकीन बनाकर खाइए। तो आइए देखते हैं कैसे ये नमकीन बना है। धान का लावा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा मूंगफली चाहिए। पहले हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच तेल लिया हुआ है, इसमें इस मूंगफली को भून कर निकाल लेंगे। मूंगफली हमारा भून चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच सौंफ डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच राई, सरसों के दाने और थोड़ा सा करी का पत्ता। ये करी पत्ता डालकर हम थोड़ा ऐसे भून लेंगे। मेरे पास ये सूखा करी पत्ता है, आपके पास अगर ताजे हो तो ताजे भी डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ ये धान का लावा जो है इसे भून लेंगे। ये बहुत ही अच्छा कुरकुरा सा नमकीन तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं स्वाद के लिए। और इस तरह से नमकीन आप बनाकर चाय के साथ इंजॉय करें। इस तरह से अगर ये धान का लावा जब हम दिवाली पर मंगाते हैं तो अक्सर ये बच जाता है, तो ये जो है सील जाता है, सीलन से ख़राब भी हो जाता है और कोई खाता नहीं, ज़्यादातर इधर उधर करके सब फेंक ही देते हैं। तो इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं घर पर नमकीन बनाकर, और ये नमकीन बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ खाने में। तो छोटी मोटी भूख जब आपको लगे तो इस तरह से नमकीन तैयार कर लें। ये हमारा भुन चुका है लावा, तो इसमें हम ये मूंगफली भी मिला देंगे, जो मूंगफली के दाने भुन कर रखे थे वो भी मिला देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा बेसन का सेव आपके पास हो या भुजिया हो वो भी मिला दें। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा हो जाए तो किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लेंगे। हमारा नमकीन ये तैयार है। देखिए बढ़िया, ये धान के लावा का नमकीन हमारा तैयार है। तो इस तरह से आप भी अपने घर नमकीन बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा धान का लावा का नमकीन। इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने सिंपल ही बनाया है कि ये बचे खुचे सामान से आप इस्तेमाल कर लीजिए नमकीन बनाकर इसको।